गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो आप लोगों को आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। तो मैं आप लोगों को जब स्कूल आ रहे थे ना आप लोग, तो जब मैं आप लोगों को स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स बोर्ड पे लिखा के पढ़ाई, आज अपन क्या करेंगे, ए फोर क्या आता, बी फोर क्या आता, उसके पिक्चर्स आइडेंटिफाई देख कर अपन रीड करेंगे। नाउ सी हियर, आई नो द अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है और उसके रिलेटेड पिक्चर्स है। अपन वो पिक्चर और अल्फ़ाबेट को देख के वो पिक्चर्स को पढ़ने का है। Now we will read A for apple, B for bird, C for cat, D for dog, E for elephant। ये आप लोग देख रहे हैं ना पिक्चर, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hippopotamus। Yes, you should also read with me now. A for apple, B for bird, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hippopotamus. So, आपका आज का होमवर्क क्या है? आप लोग ये क्या करने का है, बिना विदाउट सीइंग, नहीं देखे सर का, आप लोग वीडियो बना के सेंड करना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग बोल के, ये फोर या नहीं तो एट नेम्स के वीडियो बना के सेंड करना। ये आपका होमवर्क है। और उसके साथ में और वीडियो बनाने के साथ साथ में आप लोग नोट्स में ये भी लिखना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये फोर नेम्स को आपके नोट्स में टू टाइम्स लिख के होमवर्क सेंड करो। और इसका वीडियो भी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, इसका वीडियो भी आप लोग ग्रुप में सेंड करना विदाउट मिस्टेक। प्रैक्टिस करो घर में, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।